अभिषेक सिंह पुत्र अशोक सिंह ने निर्विरोध मसौदा ब्लॉक प्रमुख चुने जाने पर सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। साथ ही अभिषेक सिंह ने प्रण लिया है कि वो क्षेत्र वासियों की हर सुख दुख में साथ देंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। रामनगरी अयोध्या से आई ये तस्वीरें हर जगह सुर्खियां बटोर रही हैं, जहां एक ओर कड़ी सियासत और चुनावी ताने बाने के बीच हुए मतदान के बाद विजेताओं के नाम घोषित हुए, तो वहीं दूसरी ओर अब इन्हीं प्रत्याशियों को उनके कामों को सौंपने की कवायद में शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया है, जहां नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह और सपा समर्थित इंदु सेन के समर्थकों में कई बार नोकझोंक भी हुई, तो वहीं रोली सिंह और इंदु सेन यादव एक दूसरे से हमेशा ही कतराते भी नजर आए। बहरहाल अब वो समय बीत चुका है, क्योंकि भाजपा समर्थित रोली सिंह ने इंदु सेन यादव को करारी शिकस्त देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज अपने सिर पर पहन लिया है और अब वो जनता की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लगभग 2 घंटे से अधिक चले शपथ ग्रहण समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के साथ ही अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली, लेकिन एक बात जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो थी शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी समर्थित इंदु सेन यादव की अनुपस्थिति। जी हाँ, समारोह में उनकी अनुपस्थिति से तरह तरह के सवाल जिला पंचायत परिसर में उठने लगे। हालांकि दिलचस्प बात ये भी रही कि उनकी अनुपस्थिति के बावजूद समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के प्रमुख चेहरे पर नागेंद्र यादव और राजमणि यादव समेत कई अन्य लोग वहां मौजूद रहे। हालांकि इंदु सेन यादव का समारोह में शामिल न होने की वजह उनकी व्यस्तता बताई जा रही थी। वहीं मौके पर वहां डीएम के साथ कई अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। शासन की ओर से आज का तिथि यह नियत किया गया था कि इसमें जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष का और सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाए। उसी के क्रम में माननीय अध्यक्ष जी का और सभी सदस्यों को फिर अध्यक्ष जी के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया है। उन्होंने अपना जो है कार्यभार वो भी कार्यालय में ग्रहण किया है, तो यहाँ पर जो है मेरा प्रशासक के रूप में जो दायित्व था वो पूरा हुआ और अध्यक्ष के रूप में अब वो आगे जो आने वाला समय है उसमें जिला पंचायत के सभी कार्यों का संपादन। खैर, समारोह खत्म हो चुका है और अब जिला पंचायत संचालन के लिए 6 महत्वपूर्ण समितियों के गठन का अधिकार अध्यक्ष रोली सिंह को बोर्ड की पहली बैठक में ही सौंप भी दिया गया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर रोली सिंह जिले में क्या कमाल कर दिखाती है। ये खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।